नमस्ते विद्यार्थियों, मैं किशोर चौधरी। आज रीजनिंग का ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो यूपीएससी, आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, एसएससी, बैंक और रेलवे हर प्रकार के एग्जाम के अंदर इसके काफ़ी वेटेज रहता है और हर प्रकार के एग्जाम इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो विद्यार्थियों, आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका डाइज, यानी पासा वाले चैप्टर की बात करूँगा मैं। तो पासा जो होता है आपका, जैसे आप लोग जो सांप सीढ़ी का गेम खेलते थे बचपन के अंदर, या भी लूडो वाला गेम आप लोग खेलते हैं, उसमें देखते हो एक जो आपका जो बीट होती है, जो कॉइन होता है आपका, वो जो रबड़ होता है आपका, उसी को अपन डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं। या आप जिस कमरे के अंदर, आप जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, तो आप उसकी साइज़ देखना, वो आपको एक पासे के समान ही दिखेगा। यानी पासे का मतलब होता है जिसकी छः सतहें होती हैं, जिसके छः पस्ट होते हैं, वो आपका पासा कहलाता है। तो आप जिस कमरे में या जिस रूम में बैठे हो, तो जिसकी छः सतहें हैं उसके आप कोण काउंट करना, किनारे काउंट करना। आप लोग कोण का मतलब होते हैं जहाँ पर दो सतहें मिलती है, उसको आप कोण बोलते हो। यानी दो भाग जहाँ पर उसमें मिलेगा, जो उनका झुकाव जो ढाल होता है वो कोण कहलाता है। तो जो दोनों आपस में मिल रहे हैं वो आपके कोण कहलाते हैं। तो दो सतह कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आप देखोगे टोटल 8 प्रकार के आपके कोण होंगे। 4 फर्श के ऊपर होंगे, आपके 4 ऊपर की तरफ होंगे। और जो किनारे होते हैं जहाँ पर आपकी दो सतहें मिलती है, दो दीवारें मिलती हैं, वो आपके किनारे कहलाते हैं। तो टोटल किनारे कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। और सतह कितनी होती है आपकी, 6 होती है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका डाइज वाला चैप्टर पासा। पासा दिखने में, जो पासा होता है आपका, वो दिखने में कितने प्रकार का होता है। दिखने में आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका घन और दूसरा होता है आपका घनाभ। अब इन दोनों का आप डायग्राम बना के देखोगे, इनके डायग्राम आप पहचानोगे, तो लगभग लगभग आपको इक्वल यानी एक समान ही आपको दिखेंगे। इनमें थोड़ा सा जो चेंज होता है वो होता है इनकी साइज का। यानी घन के अंदर सभी सतहें एक समान होती है, सभी जो किनारे होते हैं वो एक समान होते हैं, और घनाभ के अंदर सभी किनारे एक समान ना होकर के इनके जो आमने सामने की सतहें, आमने सामने के जो भाग हैं वो एक समान होते हैं। आप कह सकते हो जिसके आमने सामने की सतहें एक समान होती है वो आपका घनाभ कहलाता है, और जिसकी सभी सतहें एक समान होती है वो आपका घन कहलाता है। अब आप इस वाले डायग्राम में देखोगे घन के अंदर, तो आपको टोटल जो किनारे दिखेंगे वो 8 किनारे, घनाभ के अंदर भी आपके 8 किनारे हैं, ठीक है ना। कोण की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके कोण है वो 8 है ना, और जो किनारे हैं आपके, जो आपको लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनें जो है ना आपकी, ये टोटल लाइनें आपको 12 दिखाई देंगी। इसमें भी 12 लाइनें आ रही है, इसके अंदर भी आपकी 12 लाइनें आ रही है। और सतहों की बात कर रहा हूँ, जो सतह एक सतह ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई, दो साइडों में आ गई, एक आगे आ गई, एक पीछे आ गई, तो सतह इसमें भी 6 होती है, इसमें भी 6 होती है। यानी घन और घनाभ में किनारे, कोण और सतह दोनों के अंदर आपकी एक समान होती है, 6 सतहें होती है और 12 आपके क्या होते हैं, किनारे होते हैं, और कोण आपके दोनों में 8 होते हैं। बस इनको साइज को लेकर के दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। घन के अंदर सभी सतहें एक समान होती है, सभी किनारे एक समान होते हैं, और घनाभ के अंदर आमने सामने की सतहें, आमने सामने की सतहें या आमने सामने की जो भुजा होती है वो एक समान होती है, बस इतना सा चेंज होता है। जैसे आप घन को कह सकते हो कि जो एक भाग बनेगा ना आपका, वो वर्ग के समान बनेगा, और घनाभ का जो एक भाग बनेगा वो आपका आयत के समान बनेगा। आयत की परिभाषा क्या होती है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है वो आपका आयत कहलाता है। उसी प्रकार से जिसके आमने सामने की सतह एक समान होती है वो आपका घन कहलाता है। और वर्ग में क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती है वो आपका वर्ग कहलाता है। उसी प्रकार से जिसकी सभी सतह एक समान होती है वो आपका वर्ग कहलाता है। तो जो पासा होता है, जो डाइज होता है, वो दिखने में आपका दो प्रकार का होता है, घन और घनाभ। अब मैं बात करूंगा जो आपका पासा है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो जो पासा का बेसिक फंडामेंटल है जिसके आधार पर पूरा चैप्टर आपका चलेगा, सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से लेवल के आपको टॉप लेवल तक लेके चलना है, यानी एसएससी सीजीएल मेंस तक का लेवल आपको कवर करना है। क्योंकि आज की जो कॉम्पिटिशन है उसमें क्वेश्चन कैसा भी और किसी भी टाइप का आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन 0 लेवल से। जो डाइज होता है, जो पासा होता है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, आप इस डाइज को एक रूम, जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है ना, उसको लेकर के आप समझ सकते हो। आप जिस रूम में बैठे हो उसकी टोटल जो सतहें होती हैं, जो आपकी जो दीवारें हैं, वो टोटल 6 दीवारें हैं। अब देखना आप लोग, जो आमने सामने की सतहें हैं, जो आमने सामने की सतहें वो कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, टच नहीं करती है। और जो सतहें एक दूसरे को टच करती हैं वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती है। जैसे मैं कर रहा हूँ कि ये वाली जो मेरे पीछे की तरफ दीवार है, वो दीवार 4 दीवारों को टच कर रही है। यानी ये वाला जो पस्ट है वो 4 पस्ट को टच कर रहा है। इसका मतलब ये जिसको टच कर रहा है वो इसके अपोजिट नहीं हो सकता। और जो इस दीवार के अपोजिट वाली दीवार है वो कभी भी इसको टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। यानी ये चीज़ इसके समझ में आ गया ना, डाइज वाला पासा वाला पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। आप कह सकते हो कि जिस सतह के,
जिसे सतह के पास में जो सतह होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। पास का मतलब ये हुआ कि उसको स्पर्श कर रही है, उसको टच कर रही है, वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं होगी, और जो अपोजिट होगी वो कभी भी उसको टच नहीं करेगी, उसको स्पर्श नहीं करेगी। तो देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन बनेगा उसमें आपका जो पासा आएगा वो इस प्रकार से आपके सामने आएगा, यानी आपको एट ए टाइम तीन सतह आपको दिखाई देगी और बाकी तीन सतह आपको दिखाई नहीं देगी। ये तीन सतह जो आपको दिखाई दे रही है, आप किसी भी एंगल से देखोगे तो किसी भी डाइज की, किसी भी पासे की आपको तीन सतह दिखाई देंगे, बाकी तीन सतह उसके पीछे छुप जाती है जो आपको दिखाई नहीं देगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपके नंबर लिख दिए 1, 2, 3, क्योंकि डाइज में टोटल आपकी 6 सतह होती है, तो 3 ही अगर बाकी 3 इसके पीछे छुप गए जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैंने कहा कि 1, 2 और 3 ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल स्पर्श कर रहे हैं। देखो 1 और 2 दोनों एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, 2 और 3 भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, 3 और 1 भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हो कि तीनों जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते। और यदि अपोजिट होते तो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपका, सबसे पहले मैं उसमें बात करूंगा जब आपको सिंगल पासा दिया गया, यानी पर्सन आकृति में, जब पर्सन आकृति में एक पासा दिया गया हो आपको, एक डायग्राम आपको जब दिया गया हो तो क्या होगा करोगे आप लोग? देखो जैसे मैंने कहा ये वाला डाइज आपको दे रखा है ना, ये पासा दे रखा है। अब यहाँ से वो क्या पूछेगा आपसे, आपको पता किसी भी पासे में टोटल 6 सतह होती है, 6 सतह का मतलब आप उसमें 6 नंबर लिख सकते हो, 6 से ज़्यादा आप नंबर नहीं लिख सकते आप लोग। यदि मैं इसको अलग अलग कलर से पेंट कर दूँ तो मैं कितने प्रकार का पेंट यूज कर सकता हूँ? 6 प्रकार का, इस पर लाल कर दिया, इस पर काला, इस पर पीला, नीला, हरा, धोला, जो भी आपका कलर होगा उसमें मैं पेंट कर सकता हूँ। यदि मैं आकृति बनाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पर फूल बना दिया, यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना दिया, मैंने चतुर्भुज बना दिया, तो मैं कितने प्रकार की आकृति यूज कर सकता हूँ? 6 प्रकार की, कि जितनी सतह है उतनी मैं आकृति बना सकता हूँ। यदि मैं नाम लिख दूँ राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, तो भी मैं कितने प्रकार के नाम लिख पाऊंगा यहाँ पर? 6 प्रकार के नाम, अल्फाबेट भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सत्य आपके 6 है, तो जो भी चीज़ आप यूज करोगे वो 6 जगह ही आप यूज कर सकते हो, 7वीं चीज़ आप यूज नहीं कर सकते हो। जब भी कोई 7वीं चीज़ आती है इसका मतलब किसी दूसरे पासे की बात कर रहा है। एक पासे में 6 चीज़ें होती है, 6 अंग होते हैं, 6 अल्फाबेट होते हैं आपके, है ना। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने 3 अंक तो शो कर दिया, बाकी 3 अंक यानी ये वाला 3 अंक तो मैंने इसमें शो कर दिया, बाकी ये जो आपके 3 अंक बच गए इसके पीछे छुपे हुए हैं। अब क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा वो ये पूछेगा आपसे कि बताओ 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, या पूछ सकता 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, या पूछ सकता 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर देखो, जो आपको प्रश्न में जो आपको आकृति दे रखा है, जो डायग्राम दे रखा है, वो सिंगल डायग्राम है। जब भी आपके पास में सिंगल डायग्राम आ जाए तो आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों का योग कितना हो रहा है, किन्हीं दो नंबरों का योग देखना आपको। तो आपने देखा कि 2 और 1 का योग तो हो रहा है 3, 3 और 1 का योग हो रहा है आपका 4, 2 और 3 का योग हो रहा है आपका 5। तो इनमें किन्हीं दो अंकों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब इनमें अंकों का योग 7 नहीं होता है तो वो कहलाता है आपका मानक पासा। स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा हूँ मैं, एक होता है आपका साधन पासा, दूसरा होगा आपका साधन पासा। यानी जब मैं सिंगल आकृति की बात करूँगा तो पासे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है सिंपल डाइज साधन पासा, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड यानी मानक पासा। साधन पासा में क्या होगा कि किन्हीं भी दो सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वो आपका कहलाता है साधारण पासा। आपने देखा कि 3 और 4 का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो यदि इनका योग 7 हो गया, योग कितना हो गया आपका 7, वो भी किनके? दो सतों का योग 7 हो गया तो क्या कहलाएगा आपका? साधारण पासा कहलाएगा। और इनका क्या होता है, योग 7 नहीं होना चाहिए, योग 7 ना हो किन्हीं दो सतों का, यहाँ पर सिर्फ 2 सतों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी सतों को आपको योग नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पर 3 सतह दे रही है तो तीनों का योग नहीं करना है, सिर्फ 2 सतों का योग करना है। कि किन्हीं दो पास पास वाली सतों का योग यदि 7 हो जाता है तो वो तो आपका साधारण पासा कहलाएगा, और यदि योग 7 नहीं होता है तो वो आपका मानक पासा कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा।
अब आपने इनमें काउंट किया, किन्हीं दो को काउंट कर लो, जैसे तीन और दो को काउंट कर रहा हूँ पाँच हो रहा है, एक और दो को काउंट कर रहा हूँ तीन हो रहा है, तीन और एक को काउंट कर रहा हूँ चार हो रहा है, तो किन्हीं का योग सात हो रहा है कि आपका नहीं हो रहा है। इसमें देखा आपने, तो इसमें आपने देखा कि तीन और दो का योग तो पाँच ही हो रहा है, दो और चार का योग छः हो रहा है, लेकिन तीन और चार का योग कितना हो रहा है सात हो रहा है। तो किन्हीं दो सतों का योग यदि सात होता है तो वो क्या कहलाएगा आपका साधन पाशा कहलाएगा, और यदि योग सात नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका मानक पाशा कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। अब मैंने आपसे पूछ लिया बताओ तीन के अपोजिट क्या होगा, तो मानक पाशा के अंदर क्या होता है कि नंबर फिक्स होते हैं, मानक पाशा में नंबर फिक्स होते हैं, एक के अपोजिट आपका, यानी एक के अपोजिट आपका छः होगा, दो के अपोजिट आपका पाँच होगा और तीन के अपोजिट आपका चार होगा, इनके नंबर फिक्स होते हैं। मैं जब भी मानक पाशे की बात करूंगा तो मानक पाशे के नंबर फिक्स होते हैं। मैंने कहा ए के अपोजिट क्या होगा, तो आपको ये पहचान करना है कि ये मानक पाशा है या नहीं है। तो आपने पहचान कर लिया कि किन्हीं पास पास की सत्तों का योग साथ नहीं होता है और ये मानक पाशा है, तो आपको ए के अपोजिट डायरेक्ट बता देना छः, निकालने की जरूरत नहीं। दो के अपोजिट कितना हो जाएगा आपका पाँच हो जाएगा, तीन के अपोजिट कितना हो जाएगा आपका चार हो जाएगा। आपका एग्जाम ऐसा भी पूछ सकता कि बताओ पाँच के अपोजिट क्या होगा, अब ये पाँच नंबर तो कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको पता पासा कौन सा आपका मानक पासा, तो आपको पता पाँच के अपोजिट क्या होगा आपका दो होगा। यूँ पूछ लिया कि छः के अपोजिट क्या होगा तो एक होगा, चार के अपोजिट क्या होगा तो तीन होगा, क्योंकि आपको मानक पासे की यदि पहचान करनी आ गई तो उसका आंसर आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। और मानक पासे का सिंपल ढूंढना सिंपल तरीका आपका कि किन्हीं जो दो सत्य ना आपके, किन्हीं दो सत्यों का योग सात नहीं होना चाहिए। यदि योग सात हो गया तो आपका क्या कहलाएगा साधन पाशा कहलाएगा, और यदि सात योग नहीं होता तो मानक पाशा कहलाएगा। और मानक पाशा में नंबर फिक्स होता है, एक के अपोजिट छः, दो के अपोजिट पाँच और तीन के अपोजिट चार होगा। अब सपोज करो कि इनका योग सात हो गया, तो सात होने का मतलब पाशा कौन सा हुआ आपका साधन पाशा हुआ। साधन पाशा में कभी भी नंबर आपके फिक्स नहीं होते हैं, तो मैंने कहा बताओ चार के अपोजिट क्या होगा फिर आपका, यहाँ तो यदि आपका मानक पाशा होता तो आप बोलते चार के अपोजिट आपका तीन होगा, लेकिन ये तो साधन पाशा आपका, तो यहाँ पर चार के अपोजिट क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि चार के अपोजिट दो और तीन तो नहीं हो सकते। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो सतह पास पास में होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है, तो ये चार के पास पास में दो और तीन आ रही है आपके, इसका मतलब दो और तीन चार के अपोजिट तो नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है बाकी नंबर क्या क्या बच गए, दो आ गया, चार आ गया, तीन आ गया, तो आपने कहा सर एक तो एक बच गया, एक आपका पाँच बच गया और एक आपका छः बच गया, तो इन तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है, कोई एक नहीं होगा। आप फिक्स नहीं कह सकते कि इसका अपोजिट एक ही होगा, आप ये भी नहीं कह सकते इसका अपोजिट पाँच होगा, आप ये भी नहीं कह सकते इसका अपोजिट छः होगा, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है आपका, तो आपका आंसर तीनों आने चाहिए। यदि मैंने बोल दिया बताओ दो के अपोजिट क्या होगा, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर चार के अपोजिट ये हो सकते हैं, तो दो के अपोजिट कुछ बचा नहीं आपका, दो के अपोजिट भी इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, एक आ सकता है, पाँच आ सकता है और छः आ सकता है। यदि मैं तीन के अपोजिट पूछ लूँ तो क्या आएगा, वही सेम आंसर बनेगा, एक पाँच और छः, इन तीनों में से कोई सा भी अंक आपका हो सकता है। यहाँ पर अपन क्लियर नहीं कर सकते कि एक ही होगा या पाँच ही होगा या आपका छः ही होगा। तो दोस्तों आपको जब भी सिंगल आकृति दी गई हो, यानी पासे में आपको क्वेश्चन में आपको जब सिंगल पासा दिया गया हो, एक आकृति आपको दी गई हो, तो एक आकृति में सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो पासा है कौन सा आपका, मानक पासा है या साधन पासा है। यदि मानक पासा है आपका तो आपको पता है एक के सामने छः, दो के सामने पाँच और तीन के सामने चार होगा। और मानक पाशा की सिंपल पहचान है आपकी कि किन्हीं पास पास वाली सत्तों का योग साथ नहीं होना चाहिए, और यदि आपका योग साथ हो गया तो कौन सा पाशा होगा आपका साधन पाशा होगा। और साधन पाशा का आंसर कैसे निकालोगे आप लोग, इन तीन को छोड़ दो, बाकी जो तीन नंबर बच गए उनमें से कोई सा भी आपका हो सकता है। अब इनमें इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं आपका, ये तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपका मानक पाशा की पहचान हो गई, आपने आंसर निकाल दिया। इसमें ऑलमोस्ट बच्चों की दिक्कत आती है कि सर यदि ऑप्शन में ये तीनों दिए हुए नहीं मिले तो क्या करेंगे हम लोग, कि ऑप्शन में एक पाँच और छः तीनों साथ में दिए हुए नहीं है तो हम किस प्रकार से आंसर निकालेंगे। ऑलमोस्ट आपको तीनों एक साथ में दिए हुए मिलेंगे, और यदि आपको तीनों दिए हुए नहीं मिले, आपको सिर्फ दो ही दिए हुए मिल जाएं, आपको जो दो ही दिए हुए मिल जाएं तो प्रायिकता दो की हो जाएगी आपके। यानी सबसे पहले प्रायिकता देखनी आप लोगों को कि उसमें दो दिए हुए कि तीन दिए हुए, यदि तीनों दिए हुए हैं तो तीनों वाला आंसर होगा आपका, यदि आपको तीनों दिए हुए नहीं है और उसमें आपको दो ही दे रखे हैं तो वो दो वाला आंसर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अब यदि इसमें दो दे दिए, इसका ऑप्शन में यदि मैं बना लूं आपका इस वाले क्वेश्चन की, मैं बता दूं कि मैंने कहा बताओ इसमें तीन के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन ए में आपका आ गया, तीन के अपोजिट ले लूं मैं एक या पांच, एक किलो पहले इसमें एक आ गया आपका, बी में मैंने ले लिया दो वे पाँच,
सी में ले लिया मैंने पाँच वे छः, पाँच वे छः, और डी में ले लिया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑलमोस्ट अपन गलती कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था यदि आपको तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आप तीनों को राइट कर दो, तीनों नहीं दिए हुए आपको दो दिए हुए तो दो राइट कर दो। तो आप क्या करोगे कि सर ने तो कहा कि दो दिए हुए, तो यहाँ पर पाँच और छः दो दिए हुए, तो आप इस पर राइट कर दिया आपने। लेकिन मैंने ये क्या क्या कहा था कि तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक आपका अलग आ रहा तो एक भी तो हो सकता था आपका। यहाँ पर चार के, मैं चार या तीन की बात कर रहा हूँ तो तीन के सामने एक पाँच है या चार के सामने एक पाँच है, हो सकता है। लेकिन ऑप्शन ए में तो कह रहा एक हो सकता है, तो आपको बिल्कुल हो सकता है आपका। ऑप्शन बी में कह रहा पाँच और छः भी हो सकता है, तो भी ये भी हो सकता है आपका। तो ऑप्शन ए भी इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है आपका, बी सी भी आपके इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है। तो क्या करोगे आप लोग उस समय, ये देखना कि जब तीनों आपको एक साथ में दिए हुए नहीं है और ऑप्शन में आपको दे रखा कि इनमें से कोई नहीं, तो उस समय आपको ये वाला ऑप्शन है क्या करना, राइट करना विद्यार्थियों। ये वाला ऑप्शन आपको राइट करना है, डी वाला, ये विशेषकर आप लोग ध्यान रखना। और यदि यहाँ पर आपका एक भी दिया हुआ मिल जाता कि एक पाँच वे छः, तो उस समय ये कोई भी दिया हुआ आपको मिल जाए ना, तो उस समय आपको इसको राइट नहीं करना, क्योंकि आपको तीनों दिए हुए, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब तीनों साथ में दिए हुए ना मिले आप लोगों को, जब तीनों साथ में दिए हुए ना मिले और यदि इनमें से आ गया कि कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा उस समय। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना, सिंगल डायग्राम की बात करता हूँ, जब प्रश्न आकृति में आपको एक डायग्राम दिया गया तो। अब देखो विद्यार्थियों, अब मैं बात करूंगा जब आपको प्रश्न आकृति में दो डायग्राम दिए गए हों, जब प्रश्न आकृति में दो पासे दिए गए हो, तो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर विद्यार्थियों मैं दो पासों की बात कर रहा हूँ, दो डाइज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो दो अलग अलग पासे नहीं है, वो पासा तो आपका एक ही है, लेकिन उसकी दो अलग अलग प्रकार से फोटो दी गई, आप कह सकते हो ना, उसके दो अलग प्रकार से एंगल से उसको शो किया गया है। वो पासा आपका एक ही है, यदि मैं दो पासे लूँगा तो उसमें कुल सतह कितनी हो जाएगी आपकी, 12 सतह हो जाएगी। तो पासा तो आपका एक ही है, लेकिन उसमें उसका दो अलग अलग साइड से, दो अलग अलग एंगल से उसकी आपको फोटो दे रखी है ना, आपको पिक दे रखी है उसकी, तो उसमें सतह तो आपकी चाहिए होगी, ठीक है ना। और बताना कि कौन सी सतह किसके अपोजिट होगी, ये आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें आपके कुछ नंबर लिख दिए मैंने। अब देखो विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आपको जो नंबर दे रखे हैं ना कि एक पांच दो, ये आपने नंबर दे दिया, आपने सोचा कि पांच और दो तो सर सात हो गए, इसका मतलब ये सदन पासा हो गया, ये आपका मानक पासा हो गया। जब सिंगल आकृति की बात होती है तो मानक और साधारण पासा चलेगा, जब एक से अधिक आकृति आ जाती है यानी दो या दो से अधिक आकृति आ जाती है, तो उस समय मानक और साधारण पासा की बात नहीं होगी। यहाँ पर सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आकृति के लिए मानक और साधारण पासा होता है। जब मैं दो आकृति या दो से अधिक आकृतियों की बात करता हूँ तो थोड़े से आपके नियम चेंज हो जाएंगे। इसमें कैसे आप फॉलो करोगे नियमों को, देखो एक बार आप लोग, आपने इन दोनों आकृतियों को देखा, इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन आ रही है, आपने कहा सर एक इसमें भी आ रहा है और एक आपका इसमें भी आ रहा है, दोनों में एक कॉमन आ रहा है आपका उभयनिष्ठ आ रहा है। अब विद्यार्थियों घड़ी जो आपकी दीवार घड़ी होती है वो घड़ी किस प्रकार से चलती है, यानी क्लॉकवाइज चलना है। अब देखो ये जिसको दीवार घड़ी चलने वाला पॉइंट समझ में आ गया ना, उनके रीजनिंग के लगभग सात आठ टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे। आपको पता कि घड़ी 12 से 3 के ऊपर चलती है, 3 से आपकी 6 के ऊपर चलती है, 6 से आपकी 9 और 9 से कहाँ चलेगी आपकी 12, यानी आप कह सकते हो घड़ी है वो इस प्रकार से चलेगी, क्लॉकवाइज आपको यूँ चलना होता है। यदि मैं यहाँ पर हूँ 3 के ऊपर तो 3 से आप यूँ चलोगे ना, तो क्लॉकवाइज चलना सीख जाइए एक बार आप, 3 6 9 और 12 लिख के क्लॉकवाइज चलना सीखिए। यदि मैं यूँ चलूँगा तो मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा हूँ। तो जिस विद्यार्थी ने घड़ी की दिशा में चलना सीख लिया, लगभग सात आठ टॉपिक आप इसी वाले इस एक ही मेथड से आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो इसमें कैसे सोल्व करोगे आप लोग कि जो नंबर आपका कॉमन आ रहा, जो अंक आपका कॉमन आ रहा, वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में चलना है। अब देखो यहाँ से मैं घड़ी की दिशा में चलूँगा तो मैं पाँच की तरफ जाऊँगा या दो की तरफ जाऊँगा, मुझे दो की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं पाँच की तरफ गया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल रहा हूँ। मैं यहाँ से एक से कहाँ गया, मैं दो के ऊपर गया आपका, और दो से कहाँ जाऊँगा मैं पाँच के ऊपर, तो यूँ चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। यहाँ आपका एक, क्योंकि एक यहाँ पर भी कॉमन आ रहा, एक यहाँ पर भी कॉमन आ रहा था, यहाँ से मैं चलूँगा तो मैं चार की तरफ जाऊँगा कि तीन की तरफ। यदि मैं चार की तरफ गया तो मैं देखो यहाँ तीन, तीन से मैं कहाँ जा रहा हूँ 12, एंटी क्लॉकवाइज हो जाऊँगा, तो मुझे तीन से कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है ना, एक से मैं तीन की तरफ जाऊँगा तो हो गया क्लॉकवाइज, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा।
तो देखो आपने इसमें भी एक आ रहा था आपका, और इसमें भी आपका एक आ रहा है, तो एक के बाद में आप चले घड़ी की दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज चले आप लोग। तो एक के बाद में कहाँ गए, दो के ऊपर गए, दो के बाद में कहाँ गए आप, पाँच के ऊपर गए। यहाँ पर भी देखो एक के बाद में कहाँ गए, तीन के ऊपर गए, और तीन के बाद में कहाँ गए आप, चार के ऊपर गए। तो आपने कहा दो, यानी दो के अपोजिट तो क्या आ गया आपका, तीन। आपने कहा दो के अपोजिट तो आपका आ गया तीन, और पाँच के अपोजिट आपका आ गया क्या, चार। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे और ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अब बचा क्या आपका, एक बचा और एक अलावा क्या नाम बच गया आपका, छः बच गया ना। तो आप कह सकते हो कि एक और छः दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। हाय विद्यार्थियों को समझ में, आप लोग करना क्या, जब भी दो आकृतियाँ आ जाती है आपके, दो या दो से अधिक कितनी भी आकृतियाँ आ जाएँ, सबके लिए आपको यही वाला नियम फॉलो करना है, यानी उनमें देखना कि इन दोनों में क्या अंक कॉमन आ रहा है। यदि कोई नंबर आपको उभयनिष्ठ आ रहा है तो उसको उभयनिष्ठ लेते हुए आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और वहाँ से आपको नंबर निकालना किसके अपोजिट क्या होगा, किसके अपोजिट क्या नहीं होगा। यानी ये आपका एक इसमें भी आ रहा है और एक आपका इसमें भी आ रहा है, तो एक से आप कहाँ चले, घड़ी की दिशा में, एक के बाद में गए दो के ऊपर, और ये एक के बाद में क्या कहाँ गए आप, तीन के ऊपर। तो दो के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, दो के अपोजिट आपका तीन हो जाएगा, और दो के बाद में गए पाँच के ऊपर, या तीन के बाद में गए चार के ऊपर, तो पाँच के अपोजिट आपका चार हो जाएगा, और एक के अपोजिट क्या बचेगा आपका, छः बचेगा। यदि आपका कॉमन कोई एक ना करके, यदि आपका कोई कॉमन एक ना करके देखो इस प्रकार से आ जाए आपका ना, यदि उसमें दो नंबर कॉमन आ जाए तो क्या करोगे फिर आप लोग, है ना। पहला पॉइंट था जिसमें आपका एक नंबर कॉमन था, अब इसका दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। आकृति वही आपकी दो ही है, यानी आपको प्रश्न आकृति में जब दो पासे दिए गए हो तो क्या करोगे, इसका ये बी पार्ट मान लो, वो आपका ए पार्ट था। अब इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपके जो नंबर आ रहे हैं, इसमें दो नंबर कॉमन आ रहे हैं। आपने देखा इसमें दो और तीन आ रहा, इसमें भी देखा आपने दो और तीन आ रहा, तो इसमें भी दो नंबर कॉमन आ रहे, इसमें भी दो नंबर कॉमन आ रहे, तो आपके बचे क्या कि पाँच और छः बच गए, तो पाँच के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, छः हो जाएगा। अब इसमें आप बाकी चीज़ें कैसे बताओगे कि भाई सर इसमें दो और तीन के अपोजिट क्या होगा, एक तो आपने बता दिया कि पाँच के अपोजिट आपका छः हो गया, अब मैं पूछूंगा कि आपके दो के अपोजिट क्या होगा और तीन के अपोजिट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप लोग। यदि सिंगल आपका नंबर कॉमन होता तो आप क्लॉकवाइज घूम जाते, लेकिन यहाँ पर तो कोई सिंगल नंबर ही नहीं आपका कॉमन, दो नंबर कॉमन थे, दोनों को आपने काट दिया और आपने निकाल लिया कि पाँच के अपोजिट आपका छः हो गया, तो बताओ तीन के अपोजिट और दो के अपोजिट क्या हो सकता है। अब आपके पास में नंबर बचे क्या, आपको पता कि किसी भी डाइस में टोटल छः नंबर होते हैं, जिसमें दो नंबर तो आपने निकाल लिए, बाकी बच गए दो नंबर, तो बाकी दो नंबर कौन कौन से बच गए आपके। अब आपके दो नंबर बचे हैं, वो एक तो बचा एक और चार। यदि तीन के अपोजिट एक होगा या चार होगा, आप कन्फर्म नहीं कह सकते, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, यानी तीन के अपोजिट एक भी हो सकता है और तीन के अपोजिट आपका चार भी हो सकता है। तो दो के अपोजिट क्या होगा, यदि तीन के अपोजिट एक होगा तो दो के अपोजिट चार होगा, और तीन के अपोजिट यदि आपका चार होगा तो एक के अपोजिट एक हो जाएगा आपका। यानी बाकी जो दो नंबर आपके बच गए, उन दोनों में से कोई सा भी नंबर आपका आ सकता है। आप वहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल आकृति के अंदर, कि सिंगल आकृति में जो आपका साधन पासा होता है, साधन पासा में आपने क्या करा था कि उन तीन को छोड़ करके बाकी जो तीन बच गए थे उन तीनों में से कोई सा भी आपका हो सकता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लेना है। यानी एक जोड़ा आपका सेट हो गया, बाकी दो नंबर आपको पता कि दो और तीन एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो नंबर एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते। जैसे ये दीवार है, इस दीवार को केवल दीवार स्पर्श करिए ना, जो मेरी बैक साइड में दीवार है ऊपर वाले को स्पर्श करिए, टच करिए, तो क्या दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसके अपोजिट है सामने वाली दीवार, जो इसको कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही है, कहीं पर इसको टच नहीं कर रही है। तो जो दो नंबर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो दो के अपोजिट तीन हो सकते हैं क्या आपका, कभी नहीं हो सकते। तो बाकी नंबर क्या बच गया आपके पास में, एक और चार बचा, तो आप कह सकते हो कि तीन के अपोजिट या तो एक होगा आपका या एक आपका चार होगा। तो ये हो गया आपका, जब प्रश्न आकृति में दो पासे दिए गए हो उसमें दो नंबर आपके कॉमन आ जाएं तो किस प्रकार से आप लोग आंसर निकालोगे। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने नंबर दिए, यहाँ पर मैं अल्फाबेट भी ले सकता हूँ, इन्हीं में नंबर लिए, तो आपको पता किसी भी डाइस के अंदर टोटल नंबर में कितने ले सकता हूँ, छः ले सकता हूँ। छः क्यों लूँगा, क्योंकि टोटल सतहें कितनी होती है आपकी, छः होती है, तो मैं छः ही नंबर लूँगा। यदि मैं अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ तो मैं अल्फ़ाबेट भी कितने ले सकता हूँ, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी मैं छः ही ले सकता हूँ। यदि मैं अलग अलग कलर की बात करूँ तो कलर भी मैं छः प्रकार के यूज कर सकता हूँ। यदि मैं अलग अलग प्रकार के नाम यूज करूँ तो छः प्रकार के नाम यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, नंबर की जगह अल्फ़ाबेट आ सकता है, नंबर की जगह नाम आ सकता है, नंबर की जगह कलर आ सकता है, गुलाबी, बैंगनी, पीला, नीला, हरा, लाल,
तो आपसे पूछ सकता, तो उसमें देखना कि कितने नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं, उनको काट दो और बाकी जो नंबर बचेगा ये दूसरे के अपोजिट हो जाएगा आपका। इसका तीसरा भाग है ना, ये जो मैं आपको भाग बता रहा हूँ, ये तीन भाग जिसने ये तीन भाग ढंग से समझ लिया ना, ये मान के चलना आप बगैर पेन उठाए हुए इस पूरे चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। बस ये घड़ी वाइज यानी क्लॉक वाइज घूमना और दो नंबर कॉमन आते कैसे निकालते वो चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब इसका तीसरा भाग लेते विद्यार्थी, देखो तीसरे भाग में क्या होगा, जिसके अंदर पहले आपका एक नंबर कॉमन था, फिर आपका दो नंबर कॉमन आया, अब आपके तीन नंबर तो कॉमन आने से रहे, यदि तीन नंबर कॉमन आपके आ जाएंगे तो दोनों डायग्राम एक जैसे हो जाएंगे फिर तो आपके। यदि यहाँ पर मैं तीन नंबर कॉमन ले लूँ, मैंने इसमें एक दो तीन ले लिया, इसमें भी मैंने एक दो तीन ले लिया, तो तीनों नंबर आपके सेम हो गए ना, इसका मतलब तो सेम ही डायग्राम बन गया आपका, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा आपका, चार पाँच और मैंने छः ले लिया, चार पाँच और छः। अब आपने देखा कि इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में एक भी नंबर आपका कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ दो आ रहा है, यहाँ तीन आ रहा है, यहाँ चार और पाँच और छः आ रहा है। तो क्या करना आपको, बस सिंपल बताना कि ऊपर वाले के साथ में रहेगा, ये आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ जाएगा, इसका पीछे वाला इसके आगे वाले के साथ में जाएगा। ये सिंपल आपका, जब एक भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाले के साथ में रहेगा, यानी दो के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, दो के अपोजिट आपका पाँच हो जाएगा, दो के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका पाँच, और एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी आगे वाले के साथ जाएगा पीछे वाला, यानी एक के अपोजिट आपका छः हो जाएगा और तीन के अपोजिट आपका चार हो जाएगा। बड़ा सिंपल है तो आपका, यानी जब भी आपकी दो डायजन दो पासे आपको दिए गए हो उसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल है, ऊपर वाले के साथ में, आगे वाला पीछे वाले के साथ में और इसका पीछे वाला इसके आगे वाले के साथ में अपोजिट हो जाएंगे। तो विद्यार्थी मैंने आज आपको ना जिसमें दो आकृति आती है ना, जिस प्रश्न में दो आकृति आ जाती है उसमें मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था आपका कि क्लॉकवाइज घूमना जिसमें एक नंबर कॉमन आएगा, दूसरा तरीका क्या था जिसमें दो नंबर कॉमन आएंगे उन दोनों को काट देना बाकी जो नंबर बच गए अपोजिट हो जाएंगे आपके, और तीसरा आपका ये वाला भाग है जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं आता है। अब रही बात विद्यार्थियों की, यदि आपके तीन दो से ज़्यादा आ जाएँ, तीन या तीन से अधिक पास आपके आ जाए तो किस प्रकार से आप निकालोगे, तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर थर्ड ले रहा हूं आपका, है ना, एग्जांपल नंबर मैं दो की बात कर रहा हूं, इस वाले एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। देखिए विद्यार्थी एक बार, जैसे मैं ये वाला ले रहा हूं, दो नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, अब इसमें देखो दो से अधिक पास है ना आपके, अब आपको नियम तो वही फॉलो करना जो मैंने आपको दो वाले बताए और कुछ भी नहीं फॉलो नहीं करना आपको। अब इसमें तीन डायग्राम आ गए, तीन आ जाओ चाहे चार आ जाओ चाहे पांच डायग्राम आ जाओ, जितने ज़्यादा डायग्राम होंगे ना उतना ही जल्दी आपका आंसर निकलेगा। तरीका आपको वो यूज़ करना है, क्लॉकवाइज घूमने वाला या दो नंबर कॉमन आ रहा तो उनको काट दो। अब देखो इसमें करना क्या होगा आपको, इसमें बस एक नियम आपको रिश्ता याद रखना पड़ेगा कि जो भी कंपेयर करेंगे हमेशा पहले वाले के साथ में करेंगे, किसके साथ में करेंगे पहले वाले के। अब इसने कहा कि दो सिकर के ऊपर है तो तल पे क्या होगा, यानी ये कह रहा कि दो के अपोजिट कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है, तो कैसे बताओगे आप लोग। तो दो के अपोजिट जब भी आपको कोई अंक बताना हो तो देखिए विद्यार्थियों, अब आपको पता कि यहाँ पर जो आपके डायग्राम आ रहे हैं वो तीन प्रकार के डायग्राम है ना, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा आपका ये है। इसमें क्या करोगे आप लोग, यानी जो भी कंपेयर करना पहले वाले के साथ में करना, यानी पहले पहले वाले को दूसरे वाले के साथ में कंपेयर करो तो आपका यहाँ आंसर निकल जाएगा, यदि नहीं निकला तो पहले वाले को तीसरे के साथ में कंपेयर करो, ये तीन ही डायग्राम है तो, और जी चार डायग्राम है तो इसे भी आंसर नहीं निकला तो पहले वाले को छोटे वाले के साथ में कंपेयर करो तो वहाँ तक आपका आंसर निकल जाएगा। यदि आपका पहले वाले का कंपेयर सबसे कर लिया फिर भी आपका आंसर नहीं निकला तो क्या करोगे, फिर दूसरे वाले को कंपेयर करना सबके साथ में, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ में करो या फिर दूसरे वाले को छोटे वाले के साथ में कंपेयर करो, 100% आपका आंसर निकल जाएगा। पहले तो आपका यहीं से आंसर निकल जाएगा, वहाँ तक आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब देखो पहले वाले और दूसरे वाले को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, आपने देखा कि इसमें भी आपका छः आ रहा, इसमें भी आपका छः आ रहा, दोनों में छः आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो आपको शायद ये डायग्राम दिख नहीं रहा होगा तो मैं यूँ बना करके मैं यहाँ पे शुरुआत वाला दो डायग्राम बना रहा हूँ, तीसरा नहीं बना, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा बनाएंगे, एक छः और चार, तीन पाँच और छः। अब देखा कि पहले वाला डायग्राम और ये आपका दूसरे वाला डायग्राम है, अब आपका आंसर यहीं से निकला तो आपको तीसरे वाले के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी छः आ रहा है आपका, यहाँ पर भी छः आ रहा है,
एक ही नंबर कॉमन आ रहा, और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा आपका। जब एक ही नंबर कॉमन आता तो आपको घड़ी आपके कुछ सिंबल ले लिए तो भी इजी क्वेश्चन, आपको सिंबल को कंपेयर कर दो आप लोग। आप लोग उसमें सिंबल को कंपेयर, जैसे आप लोग ये दे रखा ना कुछ नंबर, मैं टेंथ की बात करूँ आपके, ठीक है ना, तो इसमें आप सिंबल को कंपेयर कर सकते हो, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ में कंपेयर करो आप लोग, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे इसमें इसमें देखोगे आप लोग तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस पहले वाले को ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर आपका, तो पहले को दूसरे के साथ में कंपेयर करो तो ये दो कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी दो कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ भाग का चिन्ह आ रहा है या माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ से तो आपने निकाल लिया कि भाग के अपोजिट क्या होगा आपका, भाग के अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, माइनस, भाग के अपोजिट माइनस होगा, ये आपने निकाल लिया। लेकिन इसने पूछा प्लस के अपोजिट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, इस दूसरे को तीसरे के साथ में कंपेयर करो, तो जब दूसरे को तीसरे के साथ में कंपेयर किया आपने तो इसमें भी भाग आ रहा है, इसमें भी भाग आ रहा है, दोनों में भाग आ रहा कि नहीं आ रहा, ऊपर भी भाग आया आपका, इसमें ऊपर भाग आ रहा है, तो एक ही नंबर कॉमन हुआ आपका। अब एक नंबर से आप क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक वाइज घूमना, तो भाग के बाद में क्या आ गया आप गुणा के ऊपर, तो गुणा इधर आ रहा है, यानी पहले वाले में आपका गुणा आ रहा ना, गुणा आ रहा है, तो गुणा के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा गणित से आप गुणा के ऊपर आ गया आप, यहाँ क्या आ रहा, गुणा के ऊपर, यहाँ प्लस आ गया, ये आ गया आपका प्लस का चिन्ह, तो आप कह सकते हो कि गुणा के अपोजिट प्लस आ रहा है। इसने पूछा क्या कि प्लस के अपोजिट क्या होगा, तो गुणा के अपोजिट प्लस या प्लस के अपोजिट गुणा, बात तो एक ही हुई ना आपके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुणा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कितने भी डायग्राम दे रखे हो आपको, पाँच डायग्राम दे दिए, छः दे दिए, सात दे दिए, आपका आंसर उतना जल्दी निकलेगा। तो विद्यार्थी आपको सिर्फ नियम तीन रखना, यानी एक तो क्लॉकवाइज घूमने वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका, और यदि आपके दो कॉमन आ जाते हैं तो वो तो आपके और भी इजी हो जाएगा, और यदि तीनों में से कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो ऊपर वाले के साथ में, आगे वाला पीछे वाले के साथ में, और पीछे वाला आगे वाले के साथ में। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों आपको नंबर निकालना, यानी किसी भी डायज के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है वो निकालना आज मैंने आप लोगों को सिखाया। अब इसका जो मैं सेकेंड पार्ट आपको दूंगा, जो अपनी सेकंड क्लास होगी उसमें किस प्रकार से पासे को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से पासे को तोड़ा जाता है, या मिसिंग नंबर, किसी डायग्राम आपका एक नंबर मिसिंग हो गया तो सुबह किस प्रकार से ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो गण और गणा मैंने आपको शुरुआत में बताया था उसका सेकंड पार्ट है, वो भी अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।